मौसम के बदले मिजाज और सुबह से हो रही बारिश के बावजूद चुनावी गर्मी बरकरार है। कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रत्याशी कड़कड़ाती ठंड और बारिश में भी डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस दौरान नई जगहों पर चुनाव प्रचार के दौरान लोगों ने बारिश के कारण होने वाली दिक्कतों से भी प्रत्याशियों को अवगत कराया। दरअसल बारिश में काशीपुर शहर में जलभराव की समस्या लंबे समय से है। ऐसे में भाजपा विधायक ने 20 सालों तक जलभराव का सिर्फ दावा किया है लेकिन काम नहीं किया। वही चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस मतदाताओं से परिवर्तन की मांग करते हुए वास्तविक विकास के दावे कर रही है। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। जिस तरह से जनता का प्यार, अपार समर्थन और एक परिवर्तन की भावना काशीपुर क्षेत्र की जनता के अंदर दिखाई दे रही है, उससे हमें निश्चित तौर पर एक ऊर्जा हम लोगों को मिल रही है और कहीं ना कहीं हमारा हौसला और हिम्मत भी बढ़ रही है। उसका वर्धन हम सभी कांग्रेस परिवार के सभी कर्मठ कार्यकर्ता जो एक साथ जनता के बीच निकल रहे हैं उनको मिल रहा है और जनता का अपार समर्थन प्रेम भी मिल रहा है और उनके उत्साह को देखते हुए लगता है कि हमारे विधानसभा में इस बार परिवर्तन होना निश्चित है। हम लोग सड़कों पर आज जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और समर्थन में के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है और सरकार बदलने जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक, और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा। देवभूमि के बारे में देवभूमि के वासियों के साथ सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो।